कोमल जी, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में तो अच्छा ही ख्याल है। जितना लोग आपको पसंद करते हैं, एकतरफा मोहब्बत का तो शिकार होती होंगी आप, कैसे टैकल करती हैं इसको? नहीं, इतना मसला नहीं होता। क्या करती हैं? होते ही नहीं किसी को एकतरफा मोहब्बत मुझसे। ऐसा हो नहीं सकता, या शायद मुझे पता नहीं है। कोमल, कोई बचपन की मोहब्बत याद हो आपको या हुई हो? हुई थी, बहुत जोर से। है? फिर नहीं हुई। हुई थी? अच्छा। अरे यार, बड़ी, ये तो बड़ी लॉयल बात है। वाह, बहुत से प्रोजेक्ट्स बने, लोगों ने बनाए, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने कोमल मीर को कोमल मीर बनाया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से जो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था वो बादशाह बेगम। बादशाह बेगम, क्या बात! बादशाह बेगम बड़ा अच्छा ड्रामा है। क्या बात! कौन है ऐसी अदाकारा इस वक्त, चलते हुए वक्त में, जो आपको लगता है कि यार बड़ा अच्छा इजाफा है, ये नई लड़की बड़ी अच्छी आ रही है? नई लड़कियों में तो काफी आ रही हैं, बट आई लव सहर। दूसरी जो पहले से काम कर रही हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कि जो आपकी फेवरेट है? ये मैं एक्ट्रेस से नहीं पूछ रहा। ये देखिए ना, मैं भी एक एक्टर हूँ, लेकिन व्यूअर तो मैं भी हूँ। पसंदीदगी तो हमारी भी होती है, आपकी भी होती होगी। क्या लगता है आपको? So my top three favorite actresses are Mahira Khan, Saba Qamar and Sajal. कोमल जी, आप आर्टिस्ट तो नो डाउट बहुत बड़ी हैं, काम माशाल्लाह करती हैं, तो घर में भी कोई काम कर लेती हैं, कोई घर का जो होता है? नहीं, वैसे भी सेहत इजाजत नहीं देती। नहीं, बस यही हो जाए काफी है। एक दिन फ्राई पैन चुके से ना। अच्छा, उस दिन घर वाले सदका देता बकरे दा। अपना कोमल जी, अगर आप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? मैं लॉ कर रही हूँ तो प्रोबेबली लॉयर होती। आप लॉ कर रही हैं? जी। अप्रिशिएट करें इमरान साहब। इमरान मेरी फ्रेंडशिप देख रहे हो? देख रहे हैं, देख रहे हैं। अभी मैंने चेहरा नहीं उधर किया, मगर सबने कितनी क्लेपे की हैं। वाह वाह वाह। वो आपकी फैनशिप नहीं है, वो आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि आप इस साल फिर बच गए। मैं क्या मरी गए सो? क्यों? तेरे सिर पे बर्फ पे ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं इमरान, बड़े भाइयों मेरे है? मैं छोटा भाई हूँ, मशवरा मैं हमेशा आपसे करता हूँ। हुकुम। और जैसा कि मैंने बताया था कि अंजलिना जूली के साथ मैं फिल्म में साइन हो गया था, शूटिंग शुरू हुई, शूटिंग से पहले वहां पे ब्रैड पिट आ गया और ब्रैड पिट ने मुझे बहुत पीटा। उसने कहा हमारी अलहदगी हुई है, मगर ये मेरे दिल से नहीं निकली। वाह वाह। मैंने, चलो अगर आपके दिल से ये नहीं निकली तो मैं इस फिल्म से तो निकल सकता हूँ। अरे वाह। वो छोड़ दी फिल्म, अब मैं तमन्ना भाटिया के साथ आ रहा हूँ, तो यहाँ भी प्रॉब्लम पैदा हो गया। वो क्या? ओके, एज डिफरेंट, वो मुझसे बड़ी लगती है और मैं छोटा लगता हूँ। हाइट में वैसे माशाल्लाह आप खूबसूरत होते होते बाल बाल बचे। और शुक्र है मैं बाल बाल बचा, मगर आपका तो एक भी बाल नहीं बचा। तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरी हम एज लगे वो को आर्टिस्ट बता दो, और आर्टिस्ट उमदा किस्म की हो। तो मौजूद है यहाँ हमारे सेट पे? किधर? अरे कोमल, कोमल, मैंने तो, मैं दीवाना हूं आपका, मैंने आपका वो खेल देखा था अहदे वफा, और सोचा था जब मुलाकात होगी तो अहदे वफा करेंगे। अगर आप फिल्म में काम कर ले तो जरा नवाजी होगी। आपके साथ? मेरे साथ। आप फिल्मों में काम करती हैं, वो माशाल्लाह घरों में करते हैं। आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। क्यों? थोड़ा सा नहीं। कोमल, अगर आप हाँ फरमा दे तो अंदा फिल्म बन जाएगी, जोड़ भी बराबर का है। स्टोरी क्या है? है स्टोरी क्या है? एक हीरो आती है और हीरो को कहती है तुम्हारे सारे टेस्ट क्लियर हैं। और तुम मेरी तरफ से क्लियर हो। हीरो आती हीरो के पास और आके कहती है कि आपकी दवाई का टाइम हो गया।
खीर बनाती है और हीरो के करीब आके ये कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। कॉमन मैं आपको ये कहानी ना कराची आके सुनाऊंगा। मैं बता रहा हूँ कि हीरोइन हीरो के पास आती है, हाथ में उसके तलवार है और हीरोइन हीरो के पास आके कहती है कि तुम्हारा भीड़ किधर है, तुम्हें सेब खिलाना है। हीरोइन हीरो के पास आती है और कान में खरगोशी करके कहती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। और हीरो यू टर्न लेके कहता है अभी मेरे मैट्रिक के पेपर चल रहे बाद में। इतनी अच्छी अदाकारा हमारे सेट पे मौजूद हो और हमारी स्पॉटलाइट महरूम रह जाए, ये कैसे हो सकता है? अनी साहब जनाब क्या कहते हैं आप? बेशक सर, क्या किया जाए? फौरन स्पॉटलाइट में लाया जाए। चेहरा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की टैलेंटेड अदाकारा कोमल मीर। कोमल प्लीज कम, द स्पॉट इज योर्स। ये शेर आप सबके।